since 2012. And if interest of 15% is levied, then imagine, Sibal, this court had held that it is only the money payable and not interest. आप देखिए कहानी सुनिए जाओ. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एवरी प्रॉपर्टी हैज ए मार्केट वैल्यू. जितनी भी संपत्ति आपकी है या कोई भी किसी की भी जो संपत्ति होती है उसका एक बाजार मूल्य है. और अगर आप उस प्रॉपर्टी को थोड़ा देखरेख करते हैं, उसको डेवलप कर देते हैं, मान लीजिए कि कोई एग्रीकल्चरल लैंड है और एग्रीकल्चरल लैंड को ही आप फेंसिंग कर दिया है, उसमें पानी की सुविधा है या उससे एग्रीकल्चरल लैंड से रोड की कनेक्टिविटी ठीक है, वहां से आप एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को मार्केट में पहुंचाने की सुविधा अच्छी है, तो उसका जो वैल्यूएशन है वो बहुत अच्छा हो जाता है. मान लीजिए कि कोई सोसाइटी है, कोई बिल्डिंग है, कोई बाजार, कोई मार्केट आपने बनाया है, अगर वो टूटा फूटा है, टॉयलेट नहीं है, पानी नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसका वैल्यू बाजार में गिर जाएगा. और अगर आपका आपने मेंटेन किया हुआ है अपनी प्रॉपर्टी को, तो उसका बाजार वैल्यू बहुत बड़ा हो जाएगा. हम तो आपसे सिर्फ 25,400 करोड़ की मांग कर रहे हैं, लेकिन उसमें यह कहा गया था कि अगर हम उसमें 15% लेवी जोड़ देते हैं, इंटरेस्ट जोड़ देते हैं, ब्याज जोड़ देते हैं, आप समझिए कि 25,400 करोड़ इंटू 100/15 अगर वो कर लेंगे तो वो 15% आ जाएगा. और फिर 15% के हिसाब से आपको एनुअल 15% का आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, इतना परसेंट आपको देना पड़ेगा. अब आप सोच लीजिए 15% ब्याज देना पड़ेगा सालाना, तो आप 15% ब्याज के हिसाब से अगर कैलकुलेशन होगा तो बहुत पैसा आपको देना पड़ेगा. तो उस पर माननीय कपिल सिब्बल ने रिप्लाई किया. साहब क्या रिप्लाई किया उस पर माननीय कपिल सिब्बल ने रिप्लाई किया कि दिस कोर्ट हैड हेल्ड दैट इट इज ओनली द मनी पेबल एंड नॉट इंटरेस्ट. तो उसमें यह कहा गया कि नहीं, ये जो है, कपिल सिब्बल ने कहा कि सर माननीय मिलॉर्ड, अदालत ने यह कहा था कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसे मुझे देना है, तो वो हम दे रहे हैं, हमारे ऊपर जो है आप ये 15% का लेवी मत लगाइए. अच्छी बात है, ये हो रहा है. खुद सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कपिल सिब्बल जी को, मतलब सहारा को कह रहा है कि पहली बात तो देखिए कि आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई इम्बार्गो नहीं लगा हुआ है, नंबर वन. नंबर टू कि अगर इम्बार्गो है तो किस प्रकार का इम्बार्गो है, जिसको कि सहारा प्रबंधन लगातार प्रचारित करती रही कि इम्बार्गो लगा हुआ नहीं लगा हुआ है. सहारा प्रबंधन को यह बात अब बिल्कुल समझ लेना चाहिए कि वो आने वाले दिनों में कहीं भी इस तरह का अनर्गल बयान ना दें कि इम्बार्गो लगा हुआ है. जो टेक्निकल चीज है वो ये है कि अगर आपने सर्किल रेट जो भी प्रॉपर्टी का है, जहां पर भी आप बेच रहे हैं, खाली प्रॉपर्टी है या कोई बनी हुई प्रॉपर्टी है, बिल्टअप प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को अगर आप सर्किल रेट के हिसाब से कम में बेचते हैं, तब आपको सुप्रीम कोर्ट या अदालत का आपको परमिशन चाहिए, और या तो वहां से परमिशन चाहिए या फिर सेबी के ई ऑक्शन से आप बेच सकते हैं. दूसरा, उन्होंने कहा कि साहब नाराज हो गए जस्टिस साहब, तो कहा कि देखिए साहब 25,400 करोड़ रुपए तो आपको जमा करने हैं, उसके बाद अगर हम 15% लगा देते हैं तो फिर आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे यह आप समझ लीजिए. उस पर कपिल सिब्बल जी ने कहा कि पिछले कोर्ट माननीय अदालत ने यह निर्णय दिया था कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसे भी हमें जमा करना पड़ेगा. अब आइए जस्टिस बेला त्रिवेदी क्या कहती हैं. दीज परमिशंस वेयर मेड बिफोर ऑल्सो एंड नेवर फुलफिल्ड, दैट इज वाई वी आर हियर टूडे, दिस इज वाई कंटेम्प्ट. अब सहारे के कंटेम्प्ट की भी सुनवाई हो रही है और जस्टिस बेला त्रिवेदी ने बहुत ही ओपनली कहा, खुलेआम कहा कोर्ट में कपिल सिब्बल जी को, इसका मतलब सहारा ग्रुप को, कि इस तरह के प्रॉमिसेस आपने अतीत में कई बार किए हैं और वो आपने किसी भी प्रॉमिसेस को फुलफिल नहीं किया है, अपने किसी भी वायदे को आपने फुलफिल नहीं किया है, और इसीलिए इट हैज बिकम द कंटेंट ऑफ कोर्ट.
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इट हैज बिकम द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। इसीलिए ये अदालत की अवमानना बन गई है और इसीलिए आज हम ये सुनवाई कर रहे हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पर भी। तो ये जो आप कह रहे हैं ये कि मुझे अलाउ अस सम टाइम टू गिव यू वन स्कीम एंड वी वांट टू पे, दिस काइंड ऑफ प्रॉमिसेस यू हैव ऑलरेडी मेड अर्लियर बट ऑल द प्रॉमिसेस नेवर बीन फुलफिल्ड, दैट इज व्हाई इट कम्स अंडर द परव्यू ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड आई बिलीव दैट इट इज ए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये जो ऑब्जर्वेशन है जस्टिस बेला त्रिवेदी का। अब जस्टिस खन्ना क्या कह रहे हैं साहब, जस्टिस खन्ना कह रहे हैं टू से दैट यू वेयर नॉट गिवन फ्री आर्म टू सेल द प्रॉपर्टी वॉज इनकरेक्ट। ये देखिए, ये जो मैं बार बार आपको कहता हूं कि ये जो आकर के लोग जो बीच बीच में हमारे भी शो में आके कहते हैं कि एम्बार्गो लगा हुआ है, एम्बार्गो लगा हुआ है, एम्बार्गो लगा हुआ है, आज जस्टिस खन्ना ने बहुत जबरदस्त लताड़ लगाई है, बहुत जबरदस्त फटकार लगाई है, एकदम से डांटा है उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने डांटा है बहुत भयंकर कि ये सब फालतू बात ना बोलिए आप। जस्टिस खन्ना खुद कह रहे हैं, और संजीव खन्ना के बारे में एक बात मैं बता दूं आपको, ये संजीव खन्ना कौन है सुनिए, ये जो जस्टिस संजीव खन्ना है ना, इनके चाचा इमरजेंसी में जज थे और इमरजेंसी में जो एक जिसमें अभी के वर्तमान चीफ जस्टिस के जो पिताजी थे 5 सदस्यीय बेंच में, उन्होंने एक ऐसा फैसला दिया था जो इस देश के लिए काला फैसला है, अभी के वर्तमान जज के पिताजी, और पूरे इतिहास में सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में वो काले अक्षरों से पटा हुआ है वो फैसला। वो फैसला क्या था मालूम है, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई तो राइट टू गेट द जस्टिस, न्याय पाने के अधिकार से भी वंचित कर दिया, मतलब कोई भी व्यक्ति अदालत में जाकर के न्याय नहीं पा सकता है। क्यों? क्योंकि सरकार ने इमरजेंसी लगा दिया है और इमरजेंसी में सारे अधिकार, आपके सारे जो ह्यूमन राइट्स हैं वो सीज कर लिए गए। और जब जबलपुर हाईकोर्ट ने, मध्य प्रदेश में जबलपुर हाईकोर्ट ने, मैं थोड़ा आपको विवरण दे रहा हूं ताकि आपको ये अंदाजा लगेगा कि कैसे कोर्ट काम करती है, इस बात को भी ध्यान रखना होगा। अभी हमने कुछ देर पहले कोर्ट के ऊपर बहुत सारे सवाल खड़ा किए हैं दिशा और सुशांत के मामले वाले केस में, लेकिन आपके केस में मैं आपको एक और दृष्टांत दे रहा हूं। जबलपुर हाईकोर्ट ने कहा कि ये जो इमरजेंसी है इसमें राइट टू गेट द जस्टिस कैनॉट बी सीज्ड, न्याय पाने के अधिकार को आप सीज नहीं कर सकते हैं, यह गलत है, उन्होंने फैसला दिया। उसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में और लार्जर बेंच बैठी सुप्रीम कोर्ट में, 5 सदस्यीय बेंच ने फैसला दिया कि जबलपुर हाईकोर्ट का जो निर्णय है उसको सेट असाइड कर दिया और इंदिरा गांधी के कहने पर वही फैसला आया जो इंदिरा गांधी चाहती थी, जो संजय गांधी चाहती थी। और उस बेंच में अब के वर्तमान न्यायाधीश जो है चीफ जस्टिस, उनके पिताजी थे। लेकिन संजोग देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए मैंने जैसे ही जस्टिस संजीव खन्ना की बात आई तो संजोग देखिए कैसा है कि दूसरे, आज सुप्रीम कोर्ट में जो दूसरे जज हैं एक संजीव खन्ना जी, इनके चाचा जी अंकल उस वक्त चीफ जस्टिस थे और उन्होंने उस 5 सदस्यीय बेंच में जो एक व्यक्ति था जिन्होंने डिफरेंस व्यू लिया था, ओपिनियन दिया था, वो इनके चाचा थे, ये संजीव खन्ना जो है आज, समझ गए। तो संजीव खन्ना ने कहा सहारा को कि साहब टू से दैट यू वेर नॉट गिवन द फ्री आर्म टू सेल द प्रॉपर्टी वॉज इनकरेक्ट, इवन लेस देन सर्किल रेट बाई 10% इज अलाउड, इफ परमिशन ऑफ कोर्ट इज देयर, नो नॉट बींग गिवन ए चांस टू सेल द प्रॉपर्टी इज रॉन्ग, ऑल्सो दिस कोर्ट डायरेक्टेड वेरिफिकेशन विल, दिस कोर्ट डायरेक्टेड वेरिफिकेशन विल बी पोस्ट डिपॉजिट बिकॉज इट वॉज एलेज दैट प्रॉपर्टीज वॉज बेनामी एंड इलीगल।
कहा जस्टिस खन्ना ने कि ये बिल्कुल पूरी तरह से गलत है कि उनके ऊपर सहारा इंडिया परिवार को कोई भी प्रॉपर्टी बेचने से रोक लगा दिया गया था, ये सॉलिड पूरी तरह से झूठ बात है। नंबर वन, इवन अंडर सर्किल रेट 10%, सर्किल रेट का 10% भी अगर कम है वो भी अलाउड है, आप प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, आपने क्यों नहीं बेचा? आप उसका क्या क्या प्ली ले रहे हैं ये सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस खन्ना ने कहा कि 10% से नीचे तक का जो वैल्यूएशन है सर्किल रेट का, उसको भी आप बेच सकते हैं, ये एम्बार्गो नहीं था, आपने अभी तक प्रॉपर्टी क्यों नहीं बेचा, बेच करके सारे पैसे क्यों नहीं जमा किए, अगर आप पैसे जमा कर दिए होते तो ये पैसा हम पब्लिक को दे दिए होते, साफ साफ कह रहा है सुप्रीम कोर्ट, कोई लगाया इधर उधर कोई बात नहीं। पहली बात तो कोई एम्बार्गो नहीं थी, दूसरी बात कि आपको परमिशन था कि अगर सर्किल रेट से नीचे आएगा तो परमिशन ले लीजिए कोर्ट की, कोई दिक्कत नहीं है, परमिशन लीजिए खत्म हो जाएगा, दो दिन में परमिशन आपको मिल जाएगा, सर्किल रेट से नीचे बिक रहा है साहब, और अगर उसमें भी दिक्कत है तो सेबी के ई ऑक्शन के माध्यम से चले जाइए, अगर उसमें भी दिक्कत है तो 10% नीचे तक अलाउड था, सर्किल रेट से 10% नीचे तक आपको अलाउ किया गया था बेचने के लिए, आपने क्यों नहीं बेचा? दिस कोर्ट डायरेक्टेड वेरिफिकेशन